सुप्रभातम। आदित्यम संस्कृत के इस क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग बिहार बोर्ड में पढ़ी जाने वाली संस्कृत की द्वितीय पाठ्य पुस्तक पीयूषम द्रुत पाठ आय के पाठ 22, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, पाठ 22 जिसका शीर्षक है प्रियम भारतम। प्रियम भारतम, हमारा भारतवर्ष हमें प्राणों से भी अधिक प्रिय है, इस पाठ का आज हम अध्ययन करेंगे। इसके पूर्व हम लोगों ने प्रथम पाठ्य पुस्तक का अध्ययन कर लिया है और हमारे सिलेबस के अनुसार मैट्रिक परीक्षा में जो प्रश्न आते हैं, व्याकरण से भी जो आते हैं, उस व्याकरण के सिलेबस के अनुसार भी मैं व्याकरण आप लोगों को पढ़ाने का कार्य किया हूँ, जिसमें संधि, समास, कारक, उपसर्ग, प्रत्यय इत्यादि है। आप अवश्य देख लें जो आपके परीक्षा में, मैट्रिक परीक्षा में सहायक होगा। यदि आप बिहार बोर्ड के कक्षा 10वीं के छात्र हैं तो आप अवश्य इस चैनल को सब्सक्राइब कर बगल में घंटे का बटन दबा दें और अपने मित्रों को भी जो कक्षा 10वीं के बिहार बोर्ड के छात्र हैं उन्हें भी सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित करें। आइए अब हम इस पाठ का अध्ययन करते हैं। प्रियम भारतम, प्रथम पद्य लिखता है राजताम मे मनसि नः प्रियम भारतम द्योतितम तत् स्वरूपम लसतु शाश्वतम मेखला विंध्य गोदावरी जाह्नवी मस्तकम हिमगिरिः सागरो नूपुरम। राजताम मे मनसि प्रियम भारतम, कह रहा है कि राजताम मे मनसि नः प्रियम भारतम। राजताम मीन सुशोभित होता है, मे मनसि मेरे मन को सुशोभित करता है, मेरे मन में सुशोभित होता है कौन? प्रियम भारतम, प्रिय भारतवर्ष मेरे मन को सुशोभित कर रहा है। कैसे लिखता है कि द्योतितम तत् स्वरूपम, उसका जो स्वरूप है, इस भारतवर्ष का जो स्वरूप है द्योतितम, प्रकाशित हो रहा है। लसतु शाश्वतम, वह जो है शाश्वत सदैव, भारतवर्ष का जो स्वरूप है वह शाश्वत प्रकाशित होते हुए मेरे मन को सुशोभित कर रहा है। आगे लिखता है मेखला विंध्य गोदावरी जाह्नवी मस्तकम हिमगिरिः सागरो नूपुरम। कर मेखला मन होता करधनी, मेखला का अर्थ होता है करधनी, जो कमर में पहना जाता है। तो मेखला इस भारत माता की कौन है? विंध्य गोदावरी जाह्नवी। विंध्य गोदावरी और जाह्नवी जो नदियां हैं, इस भारत माता की मेखला है। मस्तकम हिमगिरी, मस्तक कौन है? भारत माता की मस्तक है हिमगिरी अर्थात हिमालय पर्वत। सागरो नूपुरम, और सागर जो समुद्र हैं वे नूपुरम, नूपुर का अर्थ होता है पायल, जो पैर में पहना जाता है। समुद्र जो है पायल है। राजताम में मनसि प्रियम भारतम, ऐसा प्रिय भारतवर्ष मेरे मन को सुशोभित कर रहा है। इसका अर्थ लिखना होगा तो आप लिखेंगे कि मेरा प्रिय भारतवर्ष मेरे मन को सुशोभित कर रहा है, जिसका शाश्वत स्वरूप और प्रकाश से मैं प्रसन्न हूं, जिसकी मेखला विंध्य गोदावरी और जाह्नवी नदियां हैं, जिसका मस्तक हिमालय पर्वत है और जिनके पायल समुद्र हैं, वैसा प्रिय भारतवर्ष मेरे मन को सुशोभित कर रहा है। आगे दूसरे पद्य में आते हैं। दूसरा पद्य लिखता है सेवे दधेच प्रभृति तथा सेवितम, करै कि सेवे दधेच प्रभृति तथा सेवितम चंद्रशेखर भगत सिंह विस्मिल प्रियम गांधिनायत प्रदत्तम स्वकम जीवनम प्राण सर्वस्वदानय कृतार्थी कृतम।
राजतां मे मनसि प्रियं भारतम्। कह रहे कि सीवी दधीची प्रभृति भी तथा सेवितम्। सीवी और दधीची जैसे लोगों द्वारा सेवित सेवा किए गए, चंद्रशेखर चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल की जो प्रिय हैं, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल की जो प्रिय हैं, गांधी नायत प्रदत्तम स्वकम जीवनम प्राण सर्वस्व दानैः कृतार्थे कृतम्। गांधी ने अपना प्रदत्तम स्वकम जीवनम, अपना जो संपूर्ण जीवन है वह जिसके लिए समर्पित कर दिया, प्राण सर्वस्व दानैः कृतार्थे कृतम्, अपना प्राण और सर्वस्व दान करके जो कृतार्थ हुआ, ऐसा प्रिय भारतवर्ष मेरे मन को सुशोभित कर रहा है। इसका अर्थ हो गया कि सीवी दधीची इत्यादि के द्वारा जो सेवित हैं, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल की जो प्रिय हैं, महात्मा गांधी जिनके लिए अपना संपूर्ण जीवन प्रदान कर दिए, प्राण और सर्वस्व दान करके जो कृतार्थ हुए, ऐसा प्रिय भारतवर्ष मेरे मन को सुशोभित कर रहा है। आगे नेक्स्ट पद्य को देखते हैं। ये लिखता है, स्वप्न दर्शे प्रजातंत्र संपोषकम् विश्वनेत्री प्रियम नेहरू पंडितम् शास्त्री राजेन्द्र अब्दुल हमीदादिकम् पत्र जातम च लब्धाति दर्पान्वितम् राजताम मे मनसि प्रियम भारतम्। करा स्वप्नदर्शी, स्वप्नदर्शी प्रजातंत्र संपोषकम्, स्वप्नदर्शी प्रजातंत्र के संपोषक, स्वप्नदर्शी स्वप्न में दर्शन, स्वप्नदर्शी का जो स्वप्न में दर्शन करता है, ऐसा कहा गया कि स्वप्नदर्शी और इस प्रजातंत्र का जो अभी प्रजातंत्र है, इस प्रजातंत्र के संपोषक, विश्व नेत्री प्रियम, विश्व के नेताओं में प्रिय पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अब्दुल हामिद इत्यादि, पुत्र जातम च लब्धादि दर्पान्वितम्, ऐसे पुत्रों को जन्म दे करके जो गौरव का अनुभव करती हैं, जो देश गौरव का अनुभव करता है, ऐसे ऐसा प्रिय भारतवर्ष मेरे मन में सुशोभित हो रहा है। इस पद्य का अर्थ हो गया कि स्वप्नदर्शी प्रजातंत्र की संपोषक, विश्व के नेताओं में प्रिय पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अब्दुल हामिद जैसे पुत्रों को जिस देश ने जन्म दे करके गौरव का अनुभव किया, वह भारतवर्ष मेरे मन को सुशोभित कर रहा है। आगे देखते हैं, दूसरे पेज पर देखते हैं। लिखा है कि सैन्य दाक्षं च विज्ञान प्रौद्योगिकीं विस्तृतां करतुम अग्रेसरम यत सदा राष्ट्र चिंता परम श्रम परम च अनीशम हर्षितं विच्छ सर्वत्र मोदान्वितं राजतां मे मनसि प्रियं भारतम्। कह रहा है कि सैन्य दाक्षं च विज्ञान प्रौद्योगिकीं विस्तृतां करतुम अग्रेसरम यत सदा। यहाँ के सैनिक क्या हैं? दक्ष हैं, पारंगत हैं, जहाँ की विज्ञान और प्रौद्योगिकी हमेशा विस्तृत करने में, आगे बढ़ाने में इस देश को सदा अग्रेसरम, हमेशा जो है अग्रसर है। यहाँ की विज्ञान और प्रौद्योगिकी अपने देश को आगे बढ़ाने में हमेशा अग्रसर है। राष्ट्र चिंता परम श्रम परम च अनीशम हर्षितं विच्छ सर्वत्र मोदान्वितं राष्ट्र चिंता परम, जहां रहने वाले लोग अपने राष्ट्र की चिंता करने वाले हैं। श्रम परम, पारिश्रमिक हैं, परिश्रमी हैं। ऐ हर्षितं विच्छ सर्वत्र मोदान्वितं, ऐसे सब जगह ऐसे लोगों को देख करके मेरा मन जो है एकदम हर्षित प्रसन्नचित हो रहा है। इसका अर्थ हो गया जहां के सैनिक दक्ष हैं, जहां की विज्ञान और प्रौद्योगिकी हमेशा विस्तृत और इस देश को आगे बढ़ाने में अग्रसर है, जहां के लोग राष्ट्र की चिंता करने वाले हैं, परिश्रमी हैं, ऐसे लोगों को देख करके मेरा मन हर्षित
प्रसन्नचित हो रहा है। तो यहां हम लोगों ने इस पाठ 22 प्रियम भारतम का अध्ययन किया। अब इसके अभ्यास कार्य को देखेंगे। यदि यह पाठ आपको समझ में आया तो आप अवश्य लाइक करें, अपने मित्रों को भी जो कक्षा 10वीं के छात्र हैं उन्हें भी शेयर करें, ताकि उन तक यह वीडियो पहुंचे, वह भी पढ़ें, आगे बढ़ें, मैट्रिक परीक्षा में बढ़िया नंबर पाएं। इसी उद्देश्य से मैं इस कार्य को कर रहा हूं। तो आइए अभ्यास कार्य को देखते हैं। प्रथम प्रश्न है, भारतम काम विधाम विस्तृताम करतुम अग्रेसरम वर्तते। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? भारतम विज्ञानम प्रौद्योगिकीम विधाम विस्तृताम करतुम अग्रेसरम वर्तते। भारत का विज्ञान और प्रौद्योगिकी जो विधा है वह विस्तृत और आगे बढ़ाने में लगा हुआ है। दूसरा प्रश्न है, महात्मा गांधी किम कृत्वा स्वजीवनम कृतार्थ कृतवान। महात्मा गांधी क्या करके अपने जीवन को कृतार्थ किए? तो इसका उत्तर लिख देंगे, महात्मा गांधी प्राण सर्वस्व दानम कृत्वा स्वजीवनम कृतार्थी कृतवान। महात्मा गांधी ने अपना प्राण सर्वस्व दान करके अपने जीवन को कृतार्थ किया। तीसरा प्रश्न है, भारतस्य मेखलाः के सन्ति, भारत की करधनी कौन है? तो भारतस्य मेखला विंध्य गोदावरी जान्वयः सन्ति, भारत की मेखला विंध्य गोदावरी और जाह्नवी नदियां हैं। इस प्रकार जो है हम लोगों ने पाठ 22 प्रियम भारतम का अध्ययन कर लिया। फिर हम आपसे मिलेंगे पाठ 23 के साथ, क्रियताम एतद। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामना। आप मैट्रिक परीक्षा में बहुत उत्तम अंक अर्जित करें, इसी शुभकामना के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ।